नमस्ते फ्रेंड्स, आज लड्डू गोपाल जी के लिए टोकरी बनाएंगे। यहाँ पे एक टोकरी ली है, इसमें दोनों तरफ होल कर लिए हैं। इसको ग्लू लगा के कपड़े से कवर कर देंगे, पूरे राउंड में अच्छी तरह से ग्लू लगा के कवर कर देंगे। अंदर की तरफ भी ग्लू लगाते हुए कपड़े को स्टिक कर देंगे। फोम लिया है छोटे साइज का, इसको कपड़े से कवर कर देंगे। ग्लू लगाते जाएंगे और कपड़े में कट्स लगा दिए हैं तो इनको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। इसको टोकरी में स्टिक कर देंगे। स्टिक कर दिया है, इसमें होल में अच्छी तरह से एक बार और होल बना लेंगे कपड़े के ऊपर से। वायर लिया है गोल्डन वाला, ये टोकरी का हैंडल बनाएंगे। इससे एक तरफ से बंद कर दिया है वायर को, अब इसमें पर्ल्स डालेंगे। पूरे हैंडल में पर्ल्स डाल देंगे। वायर की दो लेयर ली हैं, हैंडल तैयार हो गया है। अब इस तरह से इसको टोकरी में अच्छी तरह से कस देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से ओपन करके कस देंगे इसको। कपड़े की फ्रिल्स बना ली है, नेट के कपड़े की फ्रिल्स बनाई है। इसमें नीचे की तरफ लेस स्टिक करेंगे। पूरी फ्रिल में लेस स्टिक करेंगे, पतली पतली फ्रिल बनाई है। इसको टोकरी में स्टिक करेंगे, राउंड करते हुए स्टिक करना है। इस तरह से किनारे किनारे से स्टिक करना स्टार्ट करेंगे। इस टोकरी को आप बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। ऊपर की तरफ लेस स्टिक करेंगे, ग्लू लगाते जाएंगे और लेस स्टिक करेंगे। जन्माष्टमी में इस टोकरी को झूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से लेस स्टिक कर दी है, ये टोकरी बन के तैयार है। इसको पिलो से डेकोरेट करेंगे। ये टोकरी बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं।